नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 10 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री जी नागपुर गए तो पहली भी, लेकिन रुके रात में 10 सालों में पहली बार। संघ को मैनेज करने की कोशिश करी कि भैया छोड़िए, अब जो बीता सो बीता, चुनाव में जुट जाइए, कम से कम मतदान प्रतिशत बढ़ जाए। लेकिन कल देर शाम तक जो आंकड़े आए थे वो बता रहे थे कि मतदान में फिर भारी संख्या में कमी आई दूसरे चरण में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुसलमान, प्रधानमंत्री जी पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से वो जो रट लगाए हुए हैं मुसलमान, उनको लगता था हिंदुओं में अंदर रिएक्शन होगा, हिंदू बहुत बड़ी संख्या में वोट डाले आएंगे। जो मुसलमान न्यूट्रल बैठे थे, शांत बैठे थे, चलो सब कुछ शांत चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के जहरीले भाषणों के बाद वो लंबी लंबी लाइन करा के शांतिपूर्वक वोट डाला है। मतलब समझते हैं आप, व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है, मैंने इलेक्शन कमीशन से ट्वीट किया जांच करने को, कि एक IPS कह रहा है कि 3 बजे से पहले 40% वोट पड़ गया है मुसलमानों का, नमाज पढ़ के आएंगे, फिर दोबारा और ज्यादा पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था कर लीजिए। इस तरह का काम UP में पुलिस अफसर ने एक व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में लिखा, बाद में वो ग्रुप छोड़ गए। उसकी जाँच करिए, लोगों ने इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया है कि पुष्ट करिए सच है या नहीं है। मथुरा में सबसे कम परसेंटेज दूसरे चरण में, वो मथुरा जिसे गरमाने की कोशिश की गई थी योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हेमा मालिनी प्रत्याशी, सबसे कम वोटिंग। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री जी नफरत भरे भाषण बोल रहे हैं उसका हिंदू मतदाता पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदू मतदाता समझ गया कि प्रधानमंत्री जी का ये नाटक पार्ट 3 पार्ट 4 है। हिंदू मतदाताओं को असर पड़ रहा है उनकी रोजी रोटी पे, बेरोजगारी पे, उनकी जिंदगी पर। वो समझ गए हैं कि उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट हाउस को तो प्रधानमंत्री सिर माथे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन आम आदमी की उनकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत विपत्ति काल है? क्या ऊंचाई पर जाने के बाद धड़ाम होने की स्थिति भी आती है? ये सारी बातें मैंने करी हैं अभय दुबे जी के साथ, देश के जाने माने पत्रकार। आप AVP चैनल पर रोज उनको देखते हैं, बहुत किताबें लिखी उन्होंने, बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, देश भर में, दुनिया के तमाम देशों में वो घूमे हैं। बहुत बढ़िया चर्चा है, पूरी चर्चा सुनिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी। बहुत कोशिश करी पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कि मतदान प्रतिशत बढ़ जाए। अभी डिटेल आंकड़े तो देर रात तक भी नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो मोटा मोटा परसेंटेज आया है वो 2019 के मुकाबले में एवरेज अगर मानू तो 10% कम पोल दिख रहा है। मतलब जो 5 बजे तक के डाटा 2019 के थे और 2024 के थे, मैंने उनसे टैली करी क्योंकि बात की, ये भी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन मोटा मोटा 10-11% का अंतर दिख रहा है 2019 में 2024 में 5 बजे तक का। सबसे कम प्रतिशत मथुरा में हेमा मालिनी जी जहाँ पे हैं, ब्रांड है वहाँ पे, सब कौन नहीं गया। और दूसरा, मथुरा हिंदुत्व के नाते भी जहाँ पे सारे बड़े प्रयोग हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पे आए, वहाँ पे उन्होंने भगवान कृष्ण को यादवों से जोड़ा, मथुरा गरमाने की कोशिश करी, तब भी इतना कम परसेंटेज वोट। प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इतने कम प्रतिशत मतदान का मतलब क्या है? क्या मामला पट नहीं पा रहा? संघ के नागपुर में जाकर रुकने का भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा प्रधानमंत्री जी का? देखिए, अगर हम पहले दौर के मतदान प्रतिशत पर ख्याल करें तो उसको हम 2 हिस्सों में बांटते देख सकते हैं। अब उसका अंतिम आंकड़ा सामने आ गया है। पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, वो अंतिम चुनाव आयोग द्वारा जो कि अंतिम आंकड़े पर आधारित नहीं थी, अब हम अंतिम आंकड़े पर आधारित चर्चा कर सकते हैं। तो उसमें जो NDA की जीती हुई सीटें थी उनके ऊपर 5.2 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट थी। इसी तरीके से जो गैर NDA सीटें थी उनके ऊपर 2 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट थी। यानी जो NDA की सीटें थी, या इसके दो मतलब निकलते हैं कि या तो NDA की जीती हुई सीटें जो थी उनके ऊपर, उनमें उसकी, उनके जीत का जो मार्जिन है, जीत का जो अंतर है, वो बहुत बड़े पैमाने पर कम होने वाला है, या वो पिछड़ने वाले, इसका सीधा मतलब ये है। यही मतलब है, क्योंकि ये एक तथ्य है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जीत का, भारतीय जनता पार्टी की जीत भी बढ़ी है वहां पर। अब अगर चूंकि मतदान का प्रतिशत गिर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जीत, उनकी जीत पर असर होगा। वास्तविक नतीजा क्या होगा ये 4 जून को मालूम पड़ेगा, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों नरेंद्र मोदी और जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह का क्या नतीजा हुआ है, उसका परिणाम आप जो उन्होंने मुसलमान विरोधी घृणा फैलाना शुरू कर दिया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप आइए इस चुनाव के ऊपर। एक सेकंड, आपकी एक लाइन इतनी रहस्य भरी होती है ना, उसके ऊपर घंटों बात हो सकती है। आपने कहा कि जो घृणा फैलाने वाले बयान है उनका क्या असर होता है इन तीनों पे, अमित शाह, नड्डा, मोदी पे देखा जा सकता है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ वो तो ये है कि इनके घृणा फैलाने के बाद मतदान प्रतिशत और कमी हुआ, फायदा कुछ हुआ नहीं मेरे हिसाब से। तो देखिए, पिछली बार जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था 4 PM के मंच पर, तभी मैंने कहा था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का हवाला दिया था जिनसे मेरी बातचीत हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का मंगलसूत्र कांड है इसका क्या असर होगा मतदाताओं के ऊपर, उसका कहना था कि इसका कोई असर नहीं होगा, उल्टा असर पड़ रहा है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी इसकी वजह से परेशान है। उन्होंने ये भी दावा किया अगर मुझसे कहा जाए कि मैं इस पर भाषण दूं तो मैं इस पर भाषण नहीं दूंगा, मतलब इस बात पे। तो ये हालत है। बहरहाल जो ये स्थिति जो है ना, ये उनका कहना था कि दूसरे चरण में भी जो निराशा है भाजपा के लोगों के अंदर, जो बुझे से हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो एक निष्क्रियता है, इनर्शिया है, ये सारा का सारा बना रहेगा, ये हटने वाला नहीं है। दरअसल क्योंकि इसके कारण गहरे हैं, इसके कारण केवल ये नहीं है कि गर्मी पड़ रही है, इसके कारण केवल ये नहीं है कि अभी हाल फिलहाल कोई ऐसी घटना है, इसका ये भी कारण नहीं है बहुत ज्यादा कि टिकट किसी गलत आदमी को दे दिया गया, उसकी वजह से भी नाराजगियां हैं। इसके कारण गहरे और दूरगामी कारण है, इसके ऐतिहासिक कारण है। 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चलाई जा रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरी भाजपा के अंदरूनी जो एक पार्टी जीवन होता है, एक कार्यकर्ता जो होता है ना, एक पार्टी लाइफ होती है उसकी, वो एक पार्टी के अंदर, पार्टी उसके लिए घर की तरह होती है, वो पार्टी में जीवित रहता है, दिन रात पार्टी में जीवित रहता है, वो रात में भी खड़ा हुआ है, दिन में भी खड़ा हुआ है, चुनाव के दौरान वो परिश्रम कर रहा है, लेकिन वो चुनाव नहीं होते तब भी वो पार्टी के अंदर जीवित रहता है। और जब पार्टी के अंदर उससे उसकी राजनीतिक पहलकदमी छीन ली जाए, उसकी जो पॉलिटिकल एजेंसी है उससे उसको वंचित कर दिया जाए, तब फिर वो राजनीतिक कार्यकर्ता शुरू में समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। नेता, चमकदार चेहरे वाला नेता, उसके सामने जो पेश किया गया है तरह तरह के मुलम्मे चढ़ाकर, और जो प्रचार के हथकंडे होते हैं, उन प्रचार के हथकंडों का इस्तेमाल करके जो पेश किया गया है, वो हमेशा मुग्ध होकर उस चेहरे की तरफ देखता रहता है। लेकिन धीरे धीरे साल दर साल गुजरने के बाद में उसे लगने लगता है कि ये ट्रैप है, ये फंदा है जिसके अंदर वो फंसा है। दरअसल उसका राजनीतिक जीवन इस चेहरे की गुलामी करने में बदल गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं है, उसके नाम पर निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके नाम पर सत्ता भोगी जा रही है, और सत्ता का कोई भी हिस्सा उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हिस्सा प्राप्त हो रहा है। ये चीजें उसे पार्टी के खिलाफ नाराज होने पर मजबूर करती हैं, और फिर वो अगर वो विचारधारा को वफादार है तो पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावत नहीं करेगा, दल बदल नहीं करेगा, लेकिन वो उनका मन बुझ जाता है, उसका मनोबल गिर जाता है, उसका मन बुझ जाता है, और फिर वो एक दिन कहता है कि भाई ठीक है, आप महान हैं, आप ईश्वर के अवतार हैं, आप हर चीज की गारंटी ले रहे हैं, आपने जीत की भी गारंटी ले रही है, तो आप जीत जाइए, हमारी क्या जरूरत है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। देखिए, इसका कारण ये है, शांत होकर बैठ जाता है कि आप गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी मोदी की गारंटी। हाँ, इसीलिए एक विद्वान ने एक बार एक लेख भी लिखा था, पत्रकार ने लेख भी लिखा था, हमारे मित्र पत्रकार है, मैं उनका नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि देश को भाजपा मुक्त लोकतंत्र नहीं चाहिए, भाजपा को मोदी मुक्त भाजपा चाहिए। जब ये मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का एक तरह का प्रसार भी किया है, लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल न होकर मोदी की चाकर पार्टी बन गई है। वो एक नेता की, और नेता के जो कुछ खास 4-5-10 लोग होते हैं उनके निर्देशों पर काम करने वाला एक प्राणहीन औजार बन गई है भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई राजनीतिक दम नहीं रही, राजनीतिक उछाल और राजनीतिक गर्मी इसको बोलते हैं ना, वो गर्मी नहीं है इसके अंदर, जो इसको स्पंदन देती है वो नहीं है गर्मी इसके अंदर। ये है सबसे बड़ा कारण, और इस चीज को मोदी जी कोई भी हथकंडा अपना लें, वो कार्यकर्ताओं को मान लीजिए वजीफा होता है महीने में जिसमें कार्यकर्ता जीवित रहते हैं, होल टाइमर वर्कर को तो पार्टी कुछ देती है ना, उसको दूना करते हैं फिर भी उन्हें उत्साह नहीं आएगा, क्योंकि कार्यकर्ता की जो प्राण वायु है उसकी वो राजनीतिक पहलकदमी है। कार्यकर्ता महसूस करता है कि जो ऊपर निर्णय लिया गया है उस निर्णय में उसकी भी भागीदारी है। जिस दिन उसे लगेगा कि ऊपर जो निर्णय लिया जा रहा है उसमें उसकी भागीदारी नहीं है, तो कारपोरेट, ये तो एक कारपोरेट प्रणाली बन गई है,
ऊपर बड़े लोगों ने निर्णय लिया, नीचे के लोग उसको बाध्य करने और लागू करने के लिए मजबूर है। इसीलिए जो कारपोरेट मैनेजर होता है जो ऊपर के निर्णय को लागू कर रहा है, जिस दिन अच्छी नौकरी मिलती है छोड़ के चला जाता है दूसरे में, वहां वही काम करने लगता है। लेकिन कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में नहीं आता ना, कार्यकर्ता तो इसी पार्टी में बना रहता है, लेकिन समान बुझ जाता है। देखिये ये एक बहुत बड़ा कारण, भाजपा नरेंद्र मोदी आज जिस संकट का सामना कर रहे हैं, एक बार इंदिरा गांधी ने भी यही कांग्रेस के साथ किया था। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस को जो बहुत भाई, इंदिरा गांधी हर तरह की सत्ता का स्रोत थी, हर निर्णय वो लेती थी, जो कुछ होता था वो ही करती थी, उनके हाथ सत्ता मिलती रही। कई कई चुनावों में इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस को सत्ता मिली, फिर उनकी यहां तक मृत्यु हुई, जिस तरह उनकी हत्या हुई उसकी वजह से कांग्रेस को सत्ता मिली। तो कांग्रेस पूरी तरीके से इंदिरामय थी। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन पहली बार राजीव गांधी ने जब बहुमत खोया, 414 से उनकी सीटें 190 के आसपास आ गई, उसके बाद से कांग्रेस को आज तक बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लगातार उसका ग्राफ गिरता ही आ रहा। यही दुर्गति भाजपा की होने जा रही है। कोई बचा का इतिहास ही बताता है कि कोई पार्टी इस दुर्गति से बची नहीं है। देखो ठीक है, भाजपा की दुर्गत होगी, देर सवेर हो सकती है, लेकिन होगी दुर्गत जरूर। तो आपने जो बात कही है, इस नरेंद्र मोदी इस वक्त वही लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर दूसरे एक लाइन में मैं पूछूं कि मोदी के रहने से, मोदी के इस प्रभाव से कि बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? देखिए इन चीजों पे फौरी तौर पे तो फायदा होता है कि भाई सत्ता प्राप्त हो गई है, सब लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, बल्ले बल्ले है, विपक्षियों की पिटाई हो रही है, उनको जेलों में भेजा जा रहा है और उनके खिलाफ धनाधन प्रचार किया जा रहा है, उनको भ्रष्ट करार दिया जा रहा है। लेकिन ये इन चीजों में, इस जीत में एक हार छिपी होती है, इसको अंग्रेजी में पायरेट विक्ट्री कहते हैं। जब जीत में हार छुपी हुई हो तो उसको पायरेट विक्ट्री कहते हैं। मोदी की ये तमाम जो जीते हैं ये उसी प्रकार की जीते हैं जिनके अंदर से किसी भी क्षण पराजय निकल सकती है, एक ऐसी पराजय जो जीत से भी ज्यादा दीर्घकालीन साबित होगी। बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आज आप। नहीं नहीं भाई, ये देखिए कांग्रेस के साथ हो चुका है ये। अच्छा आप बताइए कि मार्क्सवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में कितने साल हुकूमत की उसने? वहाँ लोग मंदिर में ज्योति बसु की फोटो रखते थे, दीवानगी का। एक चुनाव हारने पर इतनी ताकतवर पार्टी, इतनी ताकतवर सरकार, इतनी लंबी चलने वाली सरकार, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला मुख्यमंत्री, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार आज कहाँ है पश्चिम बंगाल में? उसका वजूद ही नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हालत हो जाती है पार्टियों की। ये तो राजनीतिक रूप हो गया, लेकिन मेरा मेरे लिए मथुरा एक प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला ऐसी है कि अयोध्या में कितना काम पूरा हो गया, सारा जोर मथुरा पे था। योगी आदित्यनाथ शायद हर महीने में कई बार मथुरा गए होंगे, मथुरा को आजाद कराना है, गर्माहट करने की कोशिश की गई। मेरे को पता है कि कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं को कहा गया कि आप मार्च करो वहां पे, वो हालांकि मैनेज नहीं हो पाया। कोर्ट को जरा थोड़ा तेजी करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा मथुरा मथुरा, लेकिन मथुरा में आज 8 सीटें पड़ी है, उसमें मेरी जानकारी में सबसे कम मतदान जो है मथुरा में हुआ है। तो यानी इसके संकेत क्या है? जिस जगह को सबसे ज्यादा गर्माने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समय नाम लिया, वहां सबसे कम मतदान का मतलब क्या है? कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कितना भी मुसलमान मुसलमान चला लें, गोदी मीडिया चला लें, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा इन चुनावों में। संजय जी, आप रैंडमली मथुरा के 100 भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनिए, रैंडमली चुनिए, इनको आप जानते भी ना हो, और उनसे एक मतदान करा लीजिए कि क्या वो हेमा मालिनी को सांसद के टिकट, हेमा मालिनी को टिकट मिले इस पर राजी थे वो? एक भी नहीं होगा मुझे लगता, 100 में 99 तो कम से कम उसके उनके खिलाफ होंगे, शायद 100 भी पूरी तरह उनके खिलाफ होंगे। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने कार्यकर्ताओं की राय को पूरी तरह ताक पर उठा, कार्यकर्ता की कोई औकात नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से। भाजपा में कार्यकर्ता की कोई औकात नहीं है। उन कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ी नहीं, भाजपा को खुलेआम गाली नहीं दी, वो कांग्रेस में नहीं चले गए, समाजवादी पार्टी में नहीं चले गए, ये उनकी निष्ठा है। इतना तो वो कर ही सकते हैं कि वो आराम से घर पे बैठे मायावती के, वो हेमा मालिनी जीत जाए चुनाव अपनी दम पर, या बड़े बड़े नेता आके चुनाव जिता दें हेमा मालिनी को, इतना तो कर ही सकते हैं। वही अच्छा, आपकी बात का संदर्भ में एक चीज और आपको जानकारी में ले आऊं। बरेली में एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे संतोष गंगवार,
अबे जी, मैं वहां पे स्टार न्यूज में काम करता था, तो वो उनका ये नियम था कि वो बरेली के जहां बॉर्डर शुरू होता था वो अपना एस्कॉर्ट छोड़ दिया करते थे, गाड़ी से लाल बत्ती हटा लिया करते, तब गाड़ियों में लाल बत्ती होती थी, वो बड़े सरल स्वभाव के थे। एक दिन मैं स्टार न्यूज में था, मुझसे जिस जगह मैं रहता था वहां के लोगों ने प्रेमनगर इलाका तक शिकायत करी है कूड़ा बहुत होता है, तो एक दिन मैं उनके घर चला गया और मैंने कहा मंत्री जी वो जो है वहां के लोग शिकायत कर रहे हैं कूड़ा बहुत है, वाकई मैंने देखा है कूड़ा बहुत है और बड़ी परेशानी हो रही है। मैं मोटरसाइकिल तो उठा के थी चला गया सुबह, तो बाइक चलाने का उन दिनों मुझे बड़ा शौक था। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कैसे कैसे नेता होते थे, वो बड़ा पेट्रोलियम मंत्री बड़ा बड़ी है बड़ी हैसियत का मंत्री होता था, उन्होंने मुझसे पूछा कि चलिए आज देख के आते हैं। अब वो बाहर आए तो मुझे लगा ये अपनी गाड़ी लगाएंगे एस्कॉर्ट चलेगा गाड़ी, बोले आपकी गाड़ी कहाँ है, तो मैं कहा मैं तो मोटरसाइकिल से आया हूँ, बोले चलाइए निकालिए, और अबे जी वो मेरी मोटरसाइकिल में बैठ गए, मतलब सेंट्रल मिनिस्टर बोले चलिए कूड़े के ढेर पे, और वो हम और वो कूड़े के ढेर पे पहुंच गए। वहीं उन्होंने फोन करके नगर अफसरों को बुलाया, वो आदमी इतना भ्रम था 6-7 बार से ज्यादा लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, वो पूरा इलाका बरेली बदायूं शायब और पीलीभीत कुर्मी बहुल इलाका है, उसका अचानक टिकट काट दिया गया, एक दूसरे ऐसे कुर्मी को टिकट दे दिया गया जो उस इलाके का नहीं है, एक तीसरा कुर्मी एक रमेश गंगवार टिकट मांग रहे थे, उनको लगा कि वो मानेंगे नहीं, तो उनके कम से कम 12 स्थानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़वा दिए गए। फिर यह आलम हो गया, वहां का मेयर भी बीजेपी का ब्राह्मण है, उसने संतोष गंगवार जी के खिलाफ बोल दिया, तो वहां के सब कुर्मियों ने आंदोलन कर दिया, हंगामा कर दिया, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जब गए वहां पे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बंदा बना लिया गया, नारेबाजी हुई, उस पूरे इलाके में कुर्मियों की नाराजगी सामने आई। अब आलम यह है कि बरेली जिले का एक हिस्सा है आंवला, आंवला में प्रधानमंत्री कल आंवला में रैली करने गए। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री का तब बिजी शेड्यूल होता है कि एक जगह जा रहे हैं 25-30 किलोमीटर में एक ही रैली करेंगे, कल वो रैली करने गए, आज वो बरेली में रोड शो कर रहे हैं, यानी 30 किलोमीटर दूर एक जगह वो रैली कर रहे हैं, फिर 24 घंटे बाद रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि पूरे मंडल में कुर्मी नाराज है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि किसी को भी उठा के टिकट दे दिया, वो बरेली में भी दिख रहा है कि विद्रोह की स्थिति आ गई है वहां पे, तो ये क्या ये प्रयोग भाजपा को बहुत भारी पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में? मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि भाजपा ने जिस तरीके से टिकट बांटे हैं उसमें पहली बार मुझे लग रहा है कि इसके अंदर बहुत रणनीतिक कुशलता उन्होंने नहीं दिखाई है। टिकट बांटने में बहुत गूफ अप हुआ है भाई। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, आज मैंने गाजियाबाद में वोट डाला है। गाजियाबाद में ये वीके, यहाँ राजनाथ सिंह जी सांसद रह चुके हैं, यहाँ पर जनरल वीके सिंह 2 बार से सांसद थे, उनका टिकट इस बार काट लिया गया है और काट दिया गया है और उनसे लिखवा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, यानी इस तरह से दबाव में किसी से गन पॉइंट पे लिखवाया जाता है, लगभग इस तरीके से उसे लिखवाया गया कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। और यहाँ पे अतुल गर्ग को टिकट दे दिया गया है, बरेली में तो कम से कम एक कुर्मी नेता का टिकट काटा गया, दूसरे कुर्मी को टिकट दिया गया, लेकिन यहाँ तो ठाकुर का टिकट काटा गया है और वैश्य समाज के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, तो यहाँ पर बड़ी नाराजगी है यहाँ पर। और मायावती ने इसको भापते हुए पुंडीर को टिकट दिया जो खुद राजपूत है वहां पर, डॉली शर्मा यहाँ पर लड़ रही है कांग्रेस के टिकट से। तो मैं केवल इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जो जातियों का संतुलन बड़ी खूबी के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बनाती थी और जिनका समीकरण भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीतों का प्रमुख कारण रहा है, मैं हमेशा मानता हूं कि जो सामाजिक समीकरण होता है उसकी वजह से चुनाव जीता हारा जाता है, वो मुख्य कारण होता है, बाकी व्यवस्था पैसा प्रचार भाषण रैली रोड शो ये भी उसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर बुनियाद पड़ती है और जीत बनी रहती है, जीत की संभावना बनी रहती है सामाजिक समीकरण के कारण। तो इस बार लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सामाजिक समीकरण कई तरह से गड़बड़ा रहा है। अब वो किस हद तक सामाजिक समीकरण नुकसान करेगा, कहाँ पे वोट कम होंगे, कहाँ पे भाजपा को दिक्कत होगी, वो ये चीज देखने वाली है, ये आगे समझ में आएगा हम लोगों को। लेकिन ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस सामाजिक समीकरण के साथ के कारण भाजपा उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी बनी है पिछले 10 साल में, वो सामाजिक समीकरण पहली बार गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यूपी नहीं, महाराष्ट्र में भी यही हालत है। महाराष्ट्र में भी कल हम बात कर रहे थे राजीव रंजन जी के साथ, महाराष्ट्र में भी आज जो परसेंटेज आई है वो भी अभी तक की जो सूचना कल तक आई थी फाइनल ईयर की, वहां भी वोटिंग कम हो रही है, यानी परसेंटेज कम हर जगह का ये रुझान आ रहा है कि मतदान प्रतिशत गिर रहा है। आप जानते हैं परसेंटेज कम कब होता है, जब उपचुनाव होता है, जब बाय इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन में नहीं परसेंटेज कम होते हैं हिंदुस्तान में। जनरल इलेक्शन में तो हर चुनाव पिछले वाले चुनाव से कुछ ना कुछ बेहतर परसेंटेज निकालता है। अच्छा, इसमें एक और बात है
कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां परसेंटेज आपको कम, मेरे ख्याल से परसेंटेज कम कर होने की परिघटना पश्चिम बंगाल में उतनी प्रभावी नहीं होगी, वहां ज्यादा हुआ है। हाँ हाँ, वहां केरल में इतनी प्रभावी नहीं होगी घटना वहां। ये मुख्य तौर पर जो भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है वहां ज्यादा प्रभावी है। ओके ओके, इसका तो मतलब बीजेपी का वोटर नहीं होगा। हाँ, भाजपा का कैचमेंट एरिया है वहां ज्यादा प्रभावी है। अभी आपने जितनी भी सीटें बताई सारी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, 8 सीटें जहां पे आज उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, 8 सीटों पे पहले दौर में हुआ था और 8 सीटों पे दूसरे दौर में हो रहा है, वहां पे है। राजस्थान में, राजस्थान में पिछली बार तो मतदान प्रतिशत बहुत भयानक रूप से गिरा था। हाँ, त्रिपुरा में 18% का नुकसान था मतदान प्रतिशत में, हानि थी। तो ये चीज क्या गुल खिलाएगी? मुझे लगता है कि भाजपा को, मुझे ऐसा लगता है तार्किक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि भाजपा को इसमें काफी नुकसान होने वाला है। एक भविष्यवाणी आपने और करी थी, आपने कहा था कि पहले भ्रष्टाचार मुद्दा था, फिर मुसलमान हुए, फिर आरक्षण हुए, आपने कहा दूसरा चरण अगर गड़बड़ाया तो मुद्दा फिर चेंज होगा। यानी अगर इस चरण में भी मतदान प्रतिशत में समस्या रही, खासतौर से भाजपा के कैचमेंट एरिया में, तो चुनाव आयोग बाद में जो आंकड़ा देता है उससे लगता है शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उस आंकड़े से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस आंकड़े में क्या होगा कि पश्चिम बंगाल, केरल वगैरह इन सबके आंकड़े होंगे ना उसके अंदर, उसकी वजह से ये आंकड़े कवर हो जाते हैं उसके अंदर। हम लोगों को फोकस बनाए रखना चाहिए हिंदी पट्टी के आंकड़ों के ऊपर, हिंदी पट्टी के निर्वाचन क्षेत्रों में क्या हुआ। हिंदी भाजपा ने आज जो कितनी सीटें थी 87 सीटें थी, उनमें 62 सीटें एनडीए ने जीती थी, यानी 3/4 सीटें एनडीए ने जीत ली थी पिछली बार। इन सीटों के ऊपर 70% से ज्यादा मतदान पिछली बार हुआ था, कहीं के 75% उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ था, उसके मुकाबले मतदान कहां जाता है इस पर हमें निगाह रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कितने इफेक्टेड है। एक घटना और घटी जब प्रथम चरण का चुनाव था, एक वीडियो वायरल हुआ कि जहाँ पे मुस्लिम लोगों की लाइनें लंबी थी, तो वहां पे एक मुस्लिम आईपीएस, मुस्लिम लोगों की लाइनों को चेक करने के लिए एक आईपीएस अफसर आके उनकी जांच वाँच कर रहे थे। बड़ा गर्मा गर्मी वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो लगातार ट्वीट किया कि भाई मुस्लिमों की लंबी लाइन है तो उनका मतदान प्रतिशत कम हो, इसके लिए बार बार चेकिंग की जा रही है, धमकाया जा रहा है। आज एक घटना और घटी, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक आईपीएस का मैसेज आया कि दोपहर तक नमाज तक 40% वोटिंग हो चुकी है मुसलमानों की, 3 बजे के बाद और करेंगे। सीनियर अफसर हैं वो, तो उन्होंने लिखा है इसमें कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा दीजिए जल्दी से। तो ये तो बड़ा शॉकिंग था, मैंने चुनाव आयोग को ट्वीट भी किया कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि मैसेज सही है गलत है, लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे एक इतना सीनियर आईपीएस अफसर ये मैसेज लिख रहा है कि इनकी वोटिंग 40% हो चुकी है और नमाज पढ़ के और वोट करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगा दीजिए, एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि 100% मतदान करो, लेकिन अगर मुसलमान कर रहा है तो फोर्स लगा दीजिए, ये क्या ब्यूरोक्रेसी की अफसीमा यहां तक, इस हद तक ब्यूरोक्रेट गिर गए हैं कि मुसलमान वोट कर रहा है तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं तो उनके चेकिंग करो, उनकी फोर्स लगा दो, ये गंभीर हालात नहीं है क्या अभय जी? इसके आपके सवाल के 2 पहलू हैं, एक तो ये है कि मुसलमानों का वोट, दूसरा ये है कि चुनाव आयोग और प्रशासन का रवैया, मैं दोनों पे अलग अलग बात करूंगा। आप जब पहले दौर के मतदान में जब कमी आई तो टीवी पे इस बात की बहस हुई कि मतदान क्यों कम हुआ, तो उसका एक तथाकथित रूप से निष्पक्ष निरीक्षक ने यह निर्णय निकाला कि मुसलमानों को तो लग ही रहा है कि नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, इसलिए हो सकता है कि मुसलमानों ने कम मतदान किया, वो घर बैठ गए होंगे, हमारे वोट का जब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकायदा मेरे सामने ही तर्क दिया गया कि हमारे वोट से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वोट करने के लिए ये भाजपा के नेता थे जिन्होंने ये तर्क दिया। नहीं, ये सेफोलॉजिस्ट थे देश के एक बहुत बड़े, उन्होंने ये तर्क दिया, भाजपा के नेता नहीं, वो सब भाजपा के, सब भाजपा के लोग होते हैं इस साले, तो घोषित या अघोषित रूप से। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो वोट इसलिए, शायद ऐसा लगता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद मुसलमान घर बैठ गया है इसलिए वोट नहीं हुआ। मेरा तो मानना यह है कि पहले दौर में भी मुसलमानों ने ऑप्टिमम, अधिकतम मतदान किया है जितना मतदान उनके लिए करना संभव था, इस बार भी ये सूचना है, दूसरे चरण में भी। मोदी जी ने जो भाषण दिए हैं उस भाषण ने तो उनको और भी ज्यादा तैयार कर दिया होगा, तो सही कह रहे हैं आप, एकदम और उत्तेजना बढ़ दी, और ज्यादा वोट दिया और वो मतदान करेंगे, और ज्यादा उनकी तरफ से कोई बोला नहीं जा रहा है, वो लोग कोई, जब उनके लोग चुप बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ठीक हम क्यों बोले अपने आप में, हम तो वोट डाल के बोलेंगे। तो बहुत बड़े दिल्ली, अब देखिए दिल्ली में तो 25 मई को मतदान होगा दिल्ली में,
दिल्ली में जो कांग्रेस और भाजपा का जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस हुआ है, उस अलायंस के चलते जो अल्पसंख्यक वोट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से एक जगह पड़ेगा। पिछली बार ये पिछले चुनाव में बिखर गया था, बट गया था, तो हर जगह इस चीज का एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों असर जो है यहाँ पर इस चीज का पड़ने वाला है। ये मैं मुसलमान वोटों के संदर्भ में कह रहा हूँ। अब जहां तक ये है कि भाई आप खुश हो रहे हैं कि आपने चुनाव आयोग को ट्वीट के जरिए शिकायत कर दी, चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप करे, चुनाव आयोग की क्या हालत है मैं आपको बता दूं। पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसमें होर्डिंग में एक जगह लिखा है मोटा मोटा, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा हुआ है, मोटा मोटा लिखा हुआ है कि विपक्ष जो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए, मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए, और फिर मोदी जी की एक तस्वीर लगी हुई है। उस होर्डिंग में न तो उसको जारी करने वाले का नाम है, न किसी पार्टी का नाम है, न कोई चुनाव चिन्ह है, वे अनाम होर्डिंग है। ऐसा अनाम प्रचार गैर कानूनी होता है, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस ने इस चीज की चुनाव आयोग से शिकायत की। जब कांग्रेसी शिकायत पत्र लेके गए चुनाव आयोग ने कहा ये तो बिल्कुल गलत बात, हम अभी हटवाते हैं होर्डिंग। एक हफ्ता गुजर गया, होर्डिंग नहीं हटे। कांग्रेस दोबारा गई चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ने कहा अभी हटवाते हैं, फिर एक हफ्ता गुजर गया, फिर नहीं हटे। फिर कांग्रेस दोबारा गई चुनाव आयोग, आज तक वो होर्डिंग नहीं हटे। चुनाव 25 को है। और इसके उल्टे चुनाव आयोग के अफसर कांग्रेस के दफ्तर में आ गए, उन्होंने कहा कि बाहर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर लगा रखी है, ये गैर कानूनी है, उस पर काला कपड़ा डाल दीजिए। तो ये चुनाव आयोग है। आज प्रभु चावला ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की, अभी एबीपी में था, बहुत दिलचस्प टिप्पणी की प्रभु चावला ने। उन्होंने कहा कि टीएन शेषन के पास रीढ़ की हड्डी थी, वही रीढ़ की हड्डी चुनाव आयोग फाइलों में तलाश रहा है, मिल नहीं पा रही है उसे रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और आज के दूसरे चरण में मैंने लगातार मालूम की कि मेरठ में क्या है, अमरोहा में क्या है। अमरोहा में कल तक अभय जी लग रहा था कि बसपा और गठबंधन का कांग्रेस के प्रत्याशी दानिश अली, इनके बीच में मुसलमान वोट 100% बंटवारा होगा, लेकिन आज अमरोहा से सूचना आई कि अधिकतर अधिकांश मुस्लिम इंडिया गठबंधन में लाइन लगाए हुए हैं। और ये बात आपके बिल्कुल ठीक है, इस बार मुस्लिम बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, खामोश जाके वोट कर रहे हैं, ज्यादा वोट कर रहे हैं। और एक और खतरनाक बात भाजपा ने उनको सिखाई है, 2017 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था उसमें भाजपा ने अपना जनाधार खास तौर से ऊंची जातियों से ये कहा था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर से कहा था कि आप जरा मौन रहिए, आप जरा दावेदारियां अपनी कम कीजिए, वरना आप अगर ज्यादा जोर जोर से बोलेंगे तो आपके खिलाफ प्रतिक्रिया होगी, आप चुपचाप अपना वोट डालिए। तो ये चुपचाप वोट डालने की तकनीक भारतीय जनता पार्टी ने ही सिखाई है मुसलमानों को और दूसरी पार्टियों को। लेकिन एक चीज और देखी मैंने, आमतौर पर कई चुनाव में देखा है जब मुसलमान वोट ज्यादा पड़ता है तो रिएक्शन में हिंदू भी रिएक्शन में वोट ज्यादा डालता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ, हो रहा है मुसलमान वोट ज्यादा। हिंदू मुसलमान जितना होना था इस देश में हो चुका है। अब वो देखिए हर एक हांडी को आप कितना, देखिए राम मंदिर के नाम पे शुरू में थोड़ा बहुत जोश था, तो 90 के दशक में जो भाजपा के वोटों में उछाल आया था तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल तक गठजोड़ सरकार बन गई, तो वो काट की हांडी उसके बाद चढ़ना बंद हो गई। नरेंद्र मोदी का अपना एनालिसिस था कि राम मंदिर काट की हांडी है, अभी एक बार चढ़ गई, अब दोबारा नहीं चढ़ेगी, इसलिए उन्होंने कभी राम मंदिर के जरिए उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, उनका एनालिसिस ठीक था नरेंद्र मोदी, मैं उसकी तारीफ करूंगा इसमें, राम मंदिर की काट की हांडी थी। अब ये जो हिंदू मुस्लिम दोबारा कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से, ये भी काट की हांडी है। देखिए हिंदू मुसलमान जितना होना था हो चुका, सामान्य हिंदू को लगता है कि हमको बेकार में भड़का रहे हैं इनके खिलाफ। तो ये परिणाम तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और अगर यही परिणामों में कन्वर्ट हो गया जितनी बात आप बता रहे हैं तो फिर 200 अटक जाएगा मामला भारवे जी। अरे भाई आज ही एक भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान समर्थक पत्रकार हैं, जब उनसे ऐसी अनौपचारिक रूप से पूछा गया कि इस बार क्या लग रहा है आपको, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बात कही उसका अंदाजा उसका आशय ये था कि 2014 और 2019 के बीच में का नतीजे के बीच में कोई नतीजा होगा, यानी कोई भी अब 370 350 370 और 400 पार की बात नहीं कर रहा है,
प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में 400 पार बिल्कुल आखिर में बोलते हैं और नारा भी लगवाते हैं अब की बार 400 पार। मैंने देखा वो नारे भी शायद बंद हो गए, अब वो नारे भी नहीं लग रहे, 400 पार गायब हो गया। सही बात है, देखते हैं 4 जून को क्या होगा। लेकिन शुक्रिया अभय जी, आपने तक कितनी समय दिया, आभार। तो ये थे अभेद वे जी, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह इन्होंने चर्चा करी और क्या उसके मतलब होते हैं। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।